Good morning, students. Today is the revision class of mathematics because we have completed the syllabus in our mathematics. So there is a worksheet given. See the questions and try to solve this. This is given from the chapter multiplication. Fill in the blanks. Repeated addition is called. Repeated addition ko kya bolte hain beta? 3 into 7, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का टेबल 7 टाइम्स अगर पढ़ते हैं तो आंसर क्या आता है? 6 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर दैट वी गेट 36 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 आएगा? पढ़ेंगे आप बेटा 6 वन्स अ 6, 6 का टेबल 1 बाय टाइम में नहीं आता है, 6 टू अ 12, 6 थ्री अ 18, इसी तरह से आप पढ़ते जाएंगे और जितने टाइम में 30 आएगा वो नंबर लिख देना है. 3 टाइम्स डैश इज इक्वल टू 6. किस नंबर को 3 टाइम्स लिखते हैं? 3 रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 टाइम्स किस नंबर को लिखेंगे, किस नंबर को 3 बार लिखेंगे कि आंसर हमारा 6 आ जाए. 1 डे इज इक्वल टू डैश आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? देयर आर डैश डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, वीक का फर्स्ट डे किसे कहते हैं? अ मंथ हैज़ वीक्स एंड सम डेज, एक महीने में कितने हफ्ते और कुछ दिन होते हैं? द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज ऑल्सो नोन एज, क्लॉक के दो हैंड होते हैं, लॉन्ग हैंड शॉर्ट हैंड. लॉन्ग हैंड को किस नाम से जानते हैं बेटा? उसके बाद एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को मैं नहीं समझाऊंगी. आप देखो मई के बाद कौन सा मंथ आता है, उसके बाद कौन सा मंथ आता है, फिर अगस्त आता है, अगस्त के बाद दो कंटिन्यूइंग मंथ्स कौन से होते हैं, आप उसको कंप्लीट करेंगे. और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन टेबल, आपको 17 और 18 के मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखने हैं. मैम आपको वो टेबल सेंड भी कर देंगी, अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो उससे देख कर लिख लेंगे, जिन बच्चों को याद है वेरी गुड, वो बाय सेल्फ लिखेंगे. Have a good day, do your task.